शुभोदय छात्रगण, आज के इस सत्र में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी विषय के संबंधित आधुनिक गद्य से संबंधित पाठ गिल्लू शीर्षक, इसकी लेखिका महादेव वर्मा जी हैं। इनसे लिखी गई यह एकांकी, इसका विश्लेषण इस भाग में किया जाएगा। पिछले अंतरों में हमने क्या देखा कि गिल्लू से की गई रचना, गिल्लू रचना की लेखिका महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय, और इन्होंने दूसरे भाग के अंतर्गत गिल्लू को महादेव वर्मा ने किस उद्देश्य से इसकी रचना की है, इसे हमें क्या नीति प्रेरणा मिलती है, इसका विश्लेषण किया गया। अब भाग नंबर 3 के अंतर्गत, माने इस अंतर में क्या देखा जाता है कि महादेव वर्मा इस गिल्लू के अंतर्गत विश्लेषण किस प्रकार से किया है, और इस प्रकार गिल्लू कौन है और गिल्लू की सेवा इन्होंने कैसे की है, उन दोनों बीच माने गिल्लू और महादेवी वर्मा जी के बीच रहे प्रेम का भावना को इसका वर्णन विश्लेषण किया गया। तो जैसे देखा गया तो यह एक एकांकी पाठ है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, और महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद नामक जिले के अंतर्गत शहर में इन्होंने जन्म ली हुई थी, और आपका जो जन्म हुआ है 1907 में माना जाता है, और आपकी जो मृत्यु जो हुई है 1988 ईस्वी में, कार घटना के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार से आपका जो जन्म और मृत्यु के संबंधी, जब आपका जन्म 1907 में और उनकी मृत्यु 1988 में, इस प्रकार शेष जीवन जो हुआ है वो ये 81 माने 81 वर्ष इनका जीवन बताया गया। इस जीवन के अधिक अंतर में माने अधिक कालावधि जो आयु जो थी, महादेव वर्मा ने हिंदी साहित्य की सेवा के करने में और समाज की सेवक, समाज के सुधारक के रूप में, और इसी प्रकार अने राजनीतिक सेवाओं के प्रति अने ध्यान देकर बिताया है, और इस प्रकार अने लेखिका इस पाठ में गिलहरी नामक एक छोटे से जीव का अने इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया चित्रण किया है, वो अद्भुत ढंग से किया है। मीन्स और इसी प्रकार जो हुआ है यह एक पाठ गिल्लू परिचय माने जो सेवक भाव के रूप में प्रशंसनीय रहा है। माने यहाँ पर जो देखा गया तो ये गिल्लू नामक शीर्षक के अंतर्गत गिल्लू एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, इसके वर्णन के करने में महादेव वर्मा ने बहुत ही प्रभावित रूप से वर्णन किया है, इसका अद्भुत वर्णन किया गया। और इस प्रकार जो बताया गया गिल्लू और क्या बताया लेखिका के बीच की ने प्रेम ने प्रेम प्रेम मधुर और क्या चिरस्मरणीय रहा है, चिर माने हमेशा के लिए स्मरण करने योग्य रहा है। क्या बताया गया कि गिल्लू और प्रेम लेखिका के प्रेम क्या है, प्रेम मधुर, इन दोनों के बीच जो प्रेम का भावना थी वो मधुर रूप वर्णन किया गया, बड़ा अच्छा सा और चिरस्मरणीय रूप बताया जाता है, हमेशा के लिए वर्णन करने योग्य स्मरण करने योग्य बताया गया है। मानव जंतु और लेखिका कहती हैं कि मानव जंतु जाल का भी रक्षा करना चाहिए, ये किसके अनुसार, लेखिका के अनुसार मानव माने जंतु जाल माने पशुओं के का भी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर मनुष्य अपने जीवन के अतिरिक्त और क्या करने हैं,
जीव जंतुओं के प्रति, मैंने छोटे से प्राणियों के प्रति भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग अपने बच्चों की तरह कुछ पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं। लेखिका कहती हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने मानव जीवन जाति के ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी उन्हें सहानुभूति रखनी चाहिए। और दूसरा जो बताया गया, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों की तरह अने पालतू जानवरों के प्रति अने उसके देखभाल करते हैं, ध्यान देते हैं। और यह अभिनंदनीय है, इस प्रकार का किया जाना अभिनंदनीय माने उसके प्रशंसा करने योग्य ऐसा कार्य है। ये कौन कहते हैं? ये लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मानव का जो कर्तव्य है न केवल मानव जाति के उन्नति प्रगति के लिए प्रयास करना है बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी क्या करनी चाहिए, उसकी सेवा देखभाल करनी चाहिए यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा जो बताया, कुछ लोग अने जीव जंतुओं को कैसे अपने अपने गहे संतान के समान अपने बच्चों की तरह उसको देखभाल करते हैं, इस प्रकार का करने वाले जो होते हैं वो अभिनंदनीय है, मैंने अभिनय उनको प्रशंसा करने के योग्य माने जाते हैं। कुछ पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, यह अभिनंदनीय बताया गया। और इस प्रकार गिल्लू का प्रिय खाद्य जो था है वो काजू था, मैंने गिल्लू जो छोटा सा अने गिलहरी का जो बच्चा है वो उसका जो खाद्य जो होता है वो अधिक खाने वाला जो आहार पदार्थ जो होता है वो क्या था, यानी वो काजू था, काजू को वो अधिक पसंद करता था। और इसी प्रकार जो बताया गया ने कहता, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो होता है कि गिलहरियों की जीवन काल अवधि मीन जस्ट यू हैविंग ओनली 2 ईयर्स पीरियड ओनली दैट स्क्वायरल विल बी लाइव, मीन द लाइफ ऑफ अ स्क्वायरल इज ओनली जस्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से माना है गिलहरी का जीवन का अवधि जो होती है वो 2 वर्ष की होती है। और गिलहरी का जो खाद्य प्रिय खाद्य जो होता है वो काजू होता है। और इसी प्रकार में महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू की बहुत सेवा माने सहायता की है, करती थी, मैंने जैसे कि वो छोटे से गिलहरी के छोटे से बच्चे को यानी जैसे वो झाड़ से नीचे गिरता है तुरंत वो उसको उठाती हैं और अपने हाथ में लेती हैं और उसको इस प्रकार से घायल हुए यानी उस क्या है गिलहरी के बच्चे को उस घाव पर यानी उस घाव पर अपने घर ले जाती हैं, उठाकर अपने घर ले जाती हैं, ले गई उसका घाव रुई से पोंछ कर उसका अपने पेंसिलिन दवा लगाती है, किस पर अने पोंछ कर उसको अने उसको यानी उस पर पेंसिलिन अने पेंसिलिन दवा लगाई और फिर उसके मुंह में दूध क्या होता है दूध डालने की कोशिश की है। इस प्रकार से वो पेंसिलिन जो घाव वाला जो घायल अने के गिलहरी के बच्चे को अपने हाथ में ली और महादेव वर्मा ने उसको अपने घर ले जाती हैं और उसको ले जाकर उस पर घाव पर क्या बताएं पेंसिलिन की दवा डालती हैं अने और उस पर मुंह में उसको थोड़ा सा पानी दूध पिलाने का भी प्रयास करती हैं, लेकिन अने गिलहरी का मुंह अने रुई से पोंछ कर अने क्या बताएं उस पर पेंसिलिन की दवा डालती हैं और उसको उसके मुंह में अने दूध का अने अपने चमचे से दूध डालने का प्रयास करती हैं, लेकिन गिलहरी के बच्चे का मुंह खुलता नहीं, माने छोटा सा होने से नहीं खुल रहा था। तब उन्होंने बहुत प्रयास कर की और करने के बाद
थोड़ा सा एक चमचा उसके मुंह में पानी डाला, तुरंत उसको वो होश में आया और उसके बाद उसके सेवाएं करने मात्र से वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ बन गया। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा आप मैंने छोटे जब पालतू जानवरों के प्रति जीवों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति यानी प्रेम करती हैं इसका विश्लेषण किया गया। अने कई घंटों के उपचार करने के बाद ने उसके मुंह में उसके उसने एक बूंद पानी पिया। किसने? यह गिलहरी का बच्चा जो घाव घायल था। लेखिका बहुत उपचार करने के बाद वह आँख खोली और धीरे से स्वस्थ हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ? तो बहुत उपचार करने के बाद वो गिलहरी का बच्चा थोड़ा सा क्या बन गया, वो क्या ने स्वस्थ बन गया। और उसी तरह से गिल्लू को लेखिका ने अंत तक अपने साथ ही रखकर क्या बताएं रखी, उसे बड़े प्यार से पाला है, मैंने देखभाल भी किया है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने प्रेम के प्रति किस प्रकार अनेक आदर्श हैं इसका वर्णन किया गया है। मैं माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द पार्ट टॉपिक नेम इज द गिल्लू इज़न्ट इट गिल्लू इज वन ऑफ द किड ऑफ द स्क्वायरल। दिस टॉपिक इज रिटन बाय द महादेवी वर्मा। मीन दिस महादेवी वर्मा वॉज इज वन ऑफ द फेमस द राइटर पोएटस एंड इज द राइटर इज नॉट ओनली डू द सर्विसेस इन हिंदी लिटरेचर बट शी इज वन ऑफ द गुड सोशल वर्कर एंड ही आर गुड पॉलिटिशियन टू। सो इज इन दिस सो शी वॉज बॉर्न इन फारुखाबाद इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट द स्टेट एंड द महादेवी वर्मा वॉज द बॉर्न इन 1907 एंड शी वॉज डाइड इन 1988 एट द टाइम एंड शी डाइड हर डेथ वॉज विथ द इंसिडेंट ऑफ द कार एक्सीडेंट। So it's just a brief introduction about the Mahadevi Varma. She got the services are the most probably the award given different type of awards, different type of awards like the Nobel Prize, the Nobel Award as a Jnanpith Puraskar. And here is the different as per her Mahadevi Varma services the government of India is given the Nobel Prize and not only that here is the one of Nobel here one of the award is Veera Janani. Okay, so this is the award about the Mahadevi Varma's biography. May Mahadevi Varma was is not only the he is having heartful woman like here one day she entered her garden one of the god he observed here the one of squirrel the kid was fallen from with the tree. Mean it's wounded. Mean immediately the Mahadevi Varma took the squirrel kid in her hands and immediately she served and next day taken to go to her home.
home and do the services with the cotton. She cleaned the wound of the squirrel kid, and immediately applied the one penicillin ointment, the powder. Okay. Then afterwards, she tried to give one or two drops of the milk to the kid, but it's very small kid, so it's not open any its eyes and the mouth too. So she served them and tried to give one of the drop the water its mouth. Then after some time, then it's open and the eyes she took one drop of water. And then after the she served, means Mahadevi Varma served to the wounded squirrel kid, and after some time, and within few days, the squirrel will be as a healthy. And he served to the Mahadevi Varma served to that the squirrel kid up to till the death. It's death. The Mahadevi Varma called named as the Gillu as a nickname of that squirrel kid. So she is the most popular, mostly that squirrel Gillu is likes to the food as the kaju, means kaju and gilhari. Okay, I mean either squirrel, the life period is mentioned here, the most probably it's 2 years only. Mean the squirrels live up to only the life period is the most probably just only 2 years only. And Mahadevi Varma was the serve to that small kids and the birds, that she gave the message to us. The human beings, the responsibility is not only the serve the human beings, but all the kinds of the animals and animals too, and creatures, small creatures too. So that human being, the few peoples, the few people are the serve the animals like our family members as a kids, our kids. Like this much of the services called this much of services are appreciating by the the Mahadevi Varma. Mean Mahadevi Varma was appreciated this type of services. Those are the service the creatures like our family members. Right, that call karte hain, yani those are doing this much of services is very appreciated by the Mahadevi Varma. And this is just the moral of that human, the Mahadevi Varma's title, that's the Gillu. The word mean of the Gillu means Gillu is one of the squirrel kid, is the squirrel, the name like as a Gillu. Its full name is Gilhari, called in Hindi, is a small kid name is a Gillu. So the moral of that, you can't not only the serve the human beings, you can serve the all the creatures and animals too. In our human is our human responsibility. Okay, I hope that you can not only hear or see the this
paragraph means the part, you can understood the well and how to do the services in our life period to the, not only the human beings but our society, but those are having the small creatures and what one as animals too. Okay, thank you very much.